एक तो तेरे दिल से जुड़ा। सो व्हाट्सअप गाइज, अगर आप भी वी टाइप का यूज करके कुछ इसी टाइप की वीडियो को एडिट करना चाहते हैं जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हैं, जिसके अंदर आपका भाई क्या बताएगा ना कि कैसे आप अपने वीडियो में ब्लर इफेक्ट को ऐड करेंगे, साथ ही स्लो एंड फास्ट मोशन की आप वीडियो कैसे एडिट करेंगे और आपका वीडियो कहीं पर भी अटक अटक के नहीं चलेगा, बिल्कुल स्मूथ तरीके से चलेगा। सेकी इफेक्ट को भी आपका भाई ऐड करना बताने वाला, म्यूजिक भी ऐड करना बताएगा और ये सारी चीजें आपका भाई एक ही ऐप के अंदर बताएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो व्हाट्सअप गाइज, अगर आपको भी कुछ इसी टाइप की वीडियो को एडिट करना है तो सबसे पहले आप लोग वीटा ऐप को ओपन कर लीजिएगा। अगर आपके पास ये वाला ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर पे जाके इजली इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से आप लोग ऊपर साइड में न्यू प्रोजेक्ट के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और कर लेने के बाद आपकी गैलरी की सारी वीडियोज आप लोग के सामने शो हो जाएगा। तो जिस भी वीडियो को आप लोग को एडिट करना उस वीडियो को आप अपने गैलरी से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और कर लेने के बाद नीचे साइड में एक छोटा सा ब्लू कलर का तीर का आइकन मिलेगा, तो इस पर आप लोग टाइप कर दीजिएगा और टाइप कर लेने के बाद ये लोडिंग होगा थोड़ा सा और आपका वीडियो वी टाइप के टाइमलाइन पे आ जाएगा। और गाइज, इसी वीडियो को हम लोग एडिट करने वाले हैं और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताने वाला है, तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहला काम गाइज आप लोग को क्या करना है ना कि आपको अपने वीडियो के लेयर पे ऐसे एक बार टैप कर देना होगा और टैप कर लेने के बाद नीचे साइड में ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा और कर लेने के बाद आप लोग के सामने एक वैल्यूम का आइकन देखने को मिलेगा। तो वैल्यूम के आइकन पे टैप करके इसकी वैल्यूम को हम लोग 0% करके और राइट क्लिक कर देंगे और दोनों फिंगर से ऐसे हम लोग इसे पकड़ के ऐसे फैला लेंगे अपनी लेयर को, जो कि वीडियो वाला क्लिप, ऐसे हम लोग इसे फैला लेंगे ताकि हम लोग को एडिटिंग करने में आसानी मिले। तो सबसे पहला काम गाइज हम लोग क्या करेंगे, अपने वीडियो को चलाएंगे, जो भी हम लोग के वीडियो के अंदर फालतू पार्ट होगा उसे काट के हम लोग डिलीट करने वाले हैं। तो पहले हम लोग चला के देख लेते हैं। लास्ट में देख सकते हैं हम लोग का थोड़ा सा फालतू पार्ट है, तो यहाँ पे दो तरीके से आप इसे काट के हटा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप ऐसे पीछे से पकड़ के ऐसे काट के यहाँ तक जहाँ तक आपको हटाना वहाँ तक आप ऐसे लेकर चले आइएगा, वहाँ तक आपका वीडियो हट जाएगा। और दूसरा तरीका ये है ना कि अगर आप यहाँ से काटना है तो यहाँ पर आप अपने वीडियो को रोक लीजिएगा और नीचे साइड में आपको एक स्प्लिट का आइकन मिलेगा, तो स्प्लिट पर क्लिक करके और दो पार्ट में आपका वीडियो डिवाइड हो जाएगा और जिस भी पार्ट को आपको डिलीट करना उस पार्ट को सिलेक्ट करके और नीचे साइड में डिलीट के आइकन पर क्लिक दीजिएगा, यहां से आपका वो वाला क्लिप डिलीट हो जाएगा। तो यहां तक अगर आप वीडियो को देख लिए तो इस वीडियो को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को कलर ग्रेडिंग सिखाऊंगा जिसमें प्रोफेशनल लेवल का एडिटिंग होगा और दूसरे स्टेप में आपका भाई अल्ट्रा स्मूथ स्लो एंड फास्ट मोशन सिखाएगा, तीसरे स्टेप में आपका भाई ब्लर इफेक्ट कैसे आप अपने वीडियो को ऐड करेंगे ये सिखाएगा, सेकंड इफेक्ट को भी ऐड करना सिखाएगा, म्यूजिक को भी ऐड करना, एवरीथिंग जानकारी मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, अपने वीडियो वाले लेयर पे ऐसे टैप कर देंगे, टैप कर लेने के बाद स्क्रॉल करके आगे आना होगा और आगे आप लोग आइएगा तो आप लोग के सामने एक एडजस्ट का आइकन देखने को मिलेगा, तो इस पर आप लोग ऐसे टैप कर लीजिएगा। सबसे पहले गाइज आप लोग क्या कीजिएगा, इसकी ब्राइटनेस का वैल्यू मिलेगा तो इस पर क्लिक करके अगर आपके वीडियो के अंदर ब्राइटनेस कम है तो आप इसे इंक्रीज कर लीजिएगा। देन दोस्तों सिचुएशन पे आके थोड़ा सा मैं सिचुएशन को इंक्रीज करके प्लस साइड में 13% कर लेता हूँ। शार्पनिंग के ऑप्शन पे जाऊँगा, शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके मैं प्लस साइड में 4% कर लेता हूँ। हाईलाइट वाले सेक्शन पे जाऊंगा, हाईलाइट की वैल्यू मैं यहाँ पे डिक्रीज करता हूँ, आपको नीड है बढ़ा लीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा घटा के -32 कर लेता हूँ। देन दोस्तों इसके बाद शैडो का एक ऑप्शन मिलेगा, आपका वीडियो अगर डार्क है तो इसे आप लोग बढ़ा लीजिएगा, फिलहाल मेरा अच्छा है तो मैं कुछ भी करने की कोशिश नहीं करूंगा। और यहाँ पे इस वाले आइकन पे टैप करेंगे जो वार्मथ वाला ऑप्शन है और जिसकी टेम्परेचर की वैल्यू मैं क्या करूंगा ऐसे डिक्रीज कर दूंगा, डिक्रीज करके -19 कर दूंगा। देन दोस्तों एक इग्निट का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर टैप करके इसकी इग्निट की वैल्यू मैं इंक्रीज करके प्लस साइड में 49% करके और सिंपल से नीचे साइड में राइट के आइकन पे क्लिक कर दूंगा और ये सेटिंग कर लेने के बाद आपके वीडियो के अंदर कलर भी ऐड हो जाएगा। तो पहला स्टेप तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका, लेकिन दूसरे स्टेप के अंदर आपका भाई ये बताएगा ना कि कैसे आप अपने वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट करेंगे और आपके वीडियो कहीं पर भी अटक अटक के नहीं चलेगा। सबसे पहले वीडियो वाले लेयर पर क्लिक करेंगे और ऐसे स्क्रॉल करके आगे आएंगे जहां से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे,
यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को रोक लूँगा और नीचे साइड में स्प्लिट के आइकन पे टैप कर दूंगा। थोड़ा सा ऐसे आगे आऊँगा, बिल्कुल थोड़ा सा मैं आगे आऊँगा, अगेन मैं स्प्लिट कर दूंगा और मैं ऐसे आगे आऊँगा, आगे आने के बाद अगेन मैं स्प्लिट करूँगा, फिर थोड़ा सा आगे आके अगेन स्प्लिट कर दूंगा। ऐसे आप अपनी वीडियो को कटिंग कर लीजिएगा और कर लेने के बाद दोनों फिंगर से ऐसे पकड़ के फैला लीजिएगा अपने वीडियो को, और फैला लेने के बाद जो छोटी सी क्लिप है उसे आप लोग ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे अभी सिलेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा और मैं फैला लेता हूँ। ऐसे आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा और जैसे ही आप लोग कीजिएगा तो नीचे साइड में आपको एक स्पीड का आइकन देखने को मिलेगा, तो स्पीड के आइकन पे आप टैप करके और यहाँ पे स्टैंडर्ड वाले पे क्लिक करके और इसकी जो ड्यूरेशन है ना आप इसे 0.1x कर दीजिएगा। और कर लेने के बाद अगर आपको अपने वीडियो को अल्ट्रा स्लोमो में करना है तो यहाँ पे राइट साइड में कोने में एक स्मूथ का आइकन मिलेगा, तो इस पे आप लोग ऐसे टैप करके और नीचे साइड में राइट वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। और कर लेने के बाद आपका वीडियो थोड़ा सा यह प्रोसेसिंग लेगा और लेने के बाद आपका वीडियो अल्ट्रा स्लोमो में कन्वर्ट कर देगा। और आपका भाई बहुत ही शानदार टिप्स बताने वाला है, बता रहा है, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लीजिए यहाँ पे तो कन्वर्ट हो चुका है, तो अगेन हम लोग ऐसे स्क्रॉल करके आ जाएंगे और इस वाले छोटे क्लिप को भी हम लोग ऐसे सेलेक्ट करेंगे, सेम वही प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। स्पीड के आइकन पे टैप करके स्टैंडर्ड वाले पे क्लिक करके ड्यूरेशन की वैल्यू 0.1x करके स्मूथ पे ऐसे टैप कर देंगे और राइट क्लिक कर देंगे। कर लेने के बाद इसे भी आप लोग हो जाने दीजिए, फिर आगे का स्टेप मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ और आपका भाई एक एक स्टेप अच्छे तरीके से बताने वाला, तो वीडियो को कम्प्लीट आप लोग देखिएगा। सो व्हाट्सअप गाइज, ऐसे कर लेने के बाद आप सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी, तो आप यहाँ से बैक आ जाइएगा और बैक आने के बाद दोनों फिंगर से पकड़ के ऐसे आप इसे छोटा कर लीजिएगा, फटाफट से आप इसे छोटा कर लीजिएगा ताकि हम लोग को एडिटिंग करने में आसानी मिले थोड़ा सा। और ऐसे कर लेने के बाद अब आप यहाँ पे वीडियो को चलाइएगा, देखिए ना आपका वीडियो कितना अल्ट्रा स्लोमो में कन्वर्ट हो चुका है और आपका वीडियो कहीं पर भी अटक नहीं रहा। आपका भाई बहुत ही शानदार तरीका बताया है, आपका भाई सेकी इफेक्ट को भी ऐड करना बताएगा, म्यूजिक को भी ऐड करना बताएगा, ब्लर इफेक्ट कैसे ऐड करेंगे, सारी चीजें आपका भाई वीटा ऐप में ही बताने वाला, तो वीडियो को कम्प्लीट आप लोग देखिएगा। इतना सारा काम कर लेने के बाद सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कैसे आप अपने वीडियो के अंदर सेकी इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो उसके लिए सिंपल से आप किसी भी एक क्लिप पे ऐसे टैप कर लीजिएगा और टैप कर लेने के बाद और यहाँ पे आप लोग नीचे ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा तो आप लोग के सामने एक एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो एनिमेशन पे आप लोग ऐसे टैप कर दीजिएगा और यहाँ पे आप लोग के सामने तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला फ्रेम इन फ्रेम आउट और यहाँ पे डायनेमिक का एक ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो फ्रेम इन पे आप लोग ऐसे टैप कीजिएगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे सेकी इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे थ्रो आर करके एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसे आप लोग ऐसे क्लिक कर दीजिएगा, ऐसे कुछ इस टाइप से आएगा और इसकी ड्यूरेशन को आप थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। और ऐसे मैं अगले क्लिप पे चला आऊंगा ऐसे स्क्रॉल करके और यहाँ पे भी थ्रो आर को मैं अप्लाई कर देता हूँ, सभी क्लिप के अंदर मैं ऐसे अप्लाई कर देता हूँ और आप लोग भी ऐसे फटाफट से कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे करके और सिंपल से नीचे साइड में राइट के आइकन पे क्लिक कर देता हूँ और कर लेने के बाद मैं वीडियो को चला के दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप से हम लोग का ना यहाँ पे सेकी इफेक्ट भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ना इतना औसम सा हम लोग का वीडियो यहाँ पे लग रहा है और आपका भाई एक एक स्टेप अच्छे तरीके से बता रहा है, तो वीडियो को आप लोग कम्प्लीट देखिएगा। तो गाइज अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो कैसे आप अपने वीडियो के अंदर ब्लर इफेक्ट को ऐड करेंगे ये भी आपका भाई बताने वाला है, तो वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। सिंपल से गाइज इतना सारा काम कर लेने के बाद नीचे साइड में आप लोग स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ पे एक इफेक्ट का आइकन देखने को मिलेगा, तो इस पे आप लोग ऐसे टैप कर लीजिएगा और आप लोग अपने मोबाइल डाटा को ऑन रखिएगा तभी आप इन सारी प्रोसेस को कर पाएंगे। अगेन इफेक्ट के आइकन पे टैप कर दीजिएगा और यहाँ पे आप लोग के सामने बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएगा, तो साइड में आप ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा और कर लेने के बाद आप लोग के सामने एक ब्लिंक का आइकन देखने को मिलेगा, तो ब्लिंक के आइकन पे ऐसे टैप कर लीजिएगा और टैप कर लेने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा और यहाँ पे हालो ब्लर का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे आप लोग टैप कर लीजिएगा और टैप कर लेने के बाद एक बार और इस पे टैप करिएगा और इसकी जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना आपका यहाँ पे होगा 70 के, तो इसे आप 100 कर लीजिए और राइट क्लिक कर दीजिएगा और राइट आप जैसे ही क्लिक करके यहाँ से बैक आ जाइएगा और बैक आने के बाद अब आप वीडियो को देखिए। कुछ इस टाइप से हम लोग की पूरी वीडियो हो जाएगी, देखने को काफ़ी औसम सी लग रही है। तो गाइज अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लें तो कैसे आप अपने वीडियो के अंदर म्यूजिक को ऐड करेंगे ये भी आपका भाई बता देता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऐड म्यूजिक का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर हम लोग ऐसे टैप करेंगे और यहाँ पे म्यूजिक वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले अपने वीडियो से म्यूजिक को लेने वाले, तो मैं वीडियो वाले सेक्शन में आ जाता हूँ, इम्पोर्ट फॉर्म एल्बम के आइकन पर मैं क्लिक करता हूँ और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक म्यूजिक का लिंक दे दिया, तो इजी
इजीली जाके ना उस वीडियो को आप लोग लेके यहाँ पे मैं लेके और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट म्यूजिक के आइकन हो जाएगा और ऊपर ये म्यूजिक आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैं प्लस के आइकन पे टैप कर देता हूँ और टैप कर लेने का देखिए ना यहाँ पे हम लोग की कंप्लीट एडिटिंग हो जाएगी जो देखने में काफ़ी ओसम एंड फारसी दिख रही है। आपका भाई एक एक स्टेप बहुत ही शानदार तरीके से बताया है। तो अगर आप इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा भी कुछ भी सीखने को मिला होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को सेव करने के लिए ना 1080p पे आप लोग क्लिक करके और यहाँ पे इसकी FES को 60 करके और ऊपर साइड में एक्सपोर्ट के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।